फिल्टर सर्किट्स में कुछ नहीं पढ़ना, बस एक लाइन पढ़ेंगे, फिल्टर का मतलब कोई चीज़ फिल्टर हो रही है। हमने क्योंकि जो अभी रेक्टिफिकेशन की उसमें प्योर डीसी बाहर आया नहीं, उसमें क्या हो रहा है, कभी सिग्नल नीचे जा रहा है और कभी ऊपर आ रहा है ऐसा। ये तो बहुत आराम से बना हुआ सिग्नल, लेकिन प्रैक्टिकल सिग्नल बहुत जल्दी फ्रिक्वेंसी चेंज भी करते हैं, ऊपर भी करते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। और हमें एक मान लो कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर सिग्नल बाहर निकालना है, तो अगर मेरे को कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल बाहर निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, या तो मैं इंडक्टर लगाऊंगा आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में इंडक्टर लगाऊंगा, या मैं रेक्टिफायर के आउटपुट में कैपेसिटर लगाऊंगा। रीज़न, अगर मैं इंडक्टर लगाता हूँ उसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर बोलते हैं, और अगर कैपेसिटर लगाता हूँ उसे हम बोलते हैं शंट कैपेसिटर, क्योंकि जो कैपेसिटर वो पैरल में लगता है। मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको, डायग्राम कोई पूछेगा नहीं। फिल्टर का ये काम है, अगर पीछे से फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, इंक्रीज होके आई, तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्स एल की वैल्यू एल ओमेगा इंक्रीज हो जाएगी। मान लो ओमेगा एकदम शूट कर गया, बहुत हाई हो गया, अगर बहुत हाई हो गया, एक्स एल बहुत हाई हो गया, बहुत हाई को इनफाइनाइट बोलते हैं, तो ये करंट को ब्लॉक ही कर देगा, ये करंट को जाने नहीं देगा, उस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, फिल्टर कर देगा, उड़ा देगा। और अगर आपकी पीछे से फ्रिक्वेंसी लो हो गई, ओमेगा लो हो गया, तो एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, ओमेगा कम होने से एक्स सी बढ़ गया, एकदम फ्रिक्वेंसी गिर गई तो एक्स सी इतना बढ़ गया उसने करंट को ब्लॉक कर दिया। तो सोचो अगर पीछे से बहुत हाई बहुत लो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, तो बहुत हाई इंडक्टर रोक लेगा, बहुत लो कैपेसिटर रोक लेगा, एक कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बाहर आएगा। ये काम है फिल्ट्रेशन का, बस इतना फिल्टर काम आता है, तो और कुछ नहीं है फिल्टर में करना, बस सुन लिया, अच्छी बात है, मतलब अगर कुछ यूज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने करना है वो है जंक्शन डायोड्स।